हिंदी दिवस के अवसर पर मसूरी पहुंचे चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लायंस क्लब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू की गई है। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ उनको मिलेगा। इसके साथ ही कहा कि सरकार स्टाफ नर्स की भर्तियां शीघ्र करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी एक पर्यटन नगरी है, यहां पर लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, जिससे यहां अस्पताल में सभी सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां पर जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। और काफी यहां पे बड़ा अच्छा कार्यक्रम, स्टाफ नर्सों की उत्तराखंड सरकार अब वर्षवार भर्ती करने जा रही है, उसका कैबिनेट का निर्णय हो गया है और 2800 नई नर्सों की भर्ती की जा रही है हमारे राज्य में। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये समस्या खत्म हो जाएगी।